बॉयज़ एंड गर्ल्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे कोरोना uh, का टाइम है तो बहुत ज़रूरी है कि आप घर से कम से कम ही बाहर निकलें बिना वजह घर से बाहर मत निकलिए घर पे रहिए स्टडी कीजिए एग्जामिनेशन आपका कुछ ही महीने में होने वाला है सो इट्स बेटर कि आप घर पे रह करके स्टडी करें ठीक है तो छोटी सी यू you नो know, चेतावनी लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं कहना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ जो हैं उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहें तो आज का जो टॉपिक है आपको स्क्रीन पर ही गया होगा कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे चैप्टर का सार जो है इसी में है छुपा हुआ ये मैं आपको बता सकता हूँ ठीक है तो इंडिया का जो कंज्यूमर मूवमेंट हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे किस तरीके से इंडिया में अलग अलग तरीके का जो है लेजिस्लेशन पास किया गया ताकि इंडिया के जो कंज्यूमर हों वो एक तरीके से स्ट्रेंदन हो उनको एक तरीके से मजबूती प्रदान की जा सके उनको उन, उनके साथ किसी भी तरह का यू you नो know, दोहरा व्यवहार ना किया जाए उनको लूटा ना जाए उनके साथ फ्रॉड ना हो इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए इंडियन कंज्यूमर्स को बहुत सारे लेजिस्लेशन्स बहुत सारे कानून बनाए गए हैं पर क्या वो कानून आज के टाइम पर वर्दी हैं क्या वो कानून उस तरीके से काम कर पा रहे हैं जिस चीज़ के लिए उसे बनाया गया था क्या इंडियन कंज्यूमर को हम लोग आ, आ, किंग कहेंगे जैसा कि कहा जाता है कंज्यूमर इज़ अ किंग बट क्या उसे क्राउनलेस किंग कहना सही नहीं होगा हम उसे क्यों कहेंगे क्राउनलेस किंग इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं सो so, जब कंज्यूमर मूवमेंट की बात यहाँ पे इंडिया में हो रही है तो यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया में कभी भी कंज्यूमर के कंज्यूमर uh, के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है ना स्टार्टिंग से ही चीज़ें जब uh, जब जब प्रोडक्शन हमारा कंसेप्ट चल रहा था जहाँ पे जब प्रोडक्शन uh, बहुत ही भारी मात्रा में की जाती थी तो कंज्यूमर को किस तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं या किस तरह के यू नो उनको प्रोडक्ट लेकर के उनके साथ उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा लाइक like, प्रोडक्ट जो है वो कितना सोशल uh, फ्रेंडली है कितना ह्यूमन फ्रेंडली है इस तरह की चीज़ों के uh, चीज़ों के ऊपर इस तरह के एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था वेस्टर्न कंट्रीज uh, के साथ अगर कंपेयर करें तो uh, हमारे इंडिया में इस तरह का सिचुएशन जो है वो एकदम ही नहीं था कि कंज्यूमर के बारे में लोग बात करते थे है ना बट धीरे धीरे जो जो है है एक तरह से साइलेंट धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी में जो है हो रहा था लोगों को एक तरह से फर्क पड़ रहा था कि जो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो uh, किस तरह के प्रोडक्ट हैं क्या वो उनके सेहत के लिए सही नहीं है uh, या उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हो रहा हो या नहीं हो रहा हो है ना तो इस तरह की चीज़ें जो है उस उस तरह टाइम

है ना जो हमारा मूवमेंट था पहला वाला द बेसिक आइडिया वॉज टू मेक द कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर राइट्स थ्रू कहाँ गया थ्रू राइटिंग आर्टिकल्स इन न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स है ना तो जो पहला स्टेज था जो पहला हमारा रिवोल्यूशन का जो स्टेज था वहाँ पर लोग क्या करते थे वहाँ पर अलग अलग तरह के आर्टिकल जो है पेपर में छापे जाते थे मैगजीन्स में छापे जाते थे एग्जीबिशंस कराए जाते थे पब्लिक स्पीचेज होती थी जहाँ पर लोगों को अपने जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसके प्रति उनको जो है अवेयर किया जाता था लोगों को बताया जाता था ठीक है ना सेकंड स्टेज वो स्टेज था जहाँ पे एक तरीके से एक्शन लिया गया उन सारी चीज़ों के ऊपर उन सारे गुड्स के ऊपर जो कि सही नहीं थे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेकेंड स्टेज वॉज डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन बेस्ड ऑन बॉयकॉटिंग ऑफ गुड देखो यहाँ पे गुड्स का डायरेक्ट बॉयकॉट हो रहा है पिकेटिंग हो रही है होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन सी हो रहे हैं मतलब अब दिखाया जा रहा है डेमोस्ट्रेशन करके कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए इस तरह की चीज़ें जो है उस टाइम पर हो रही थी दिस रिजल्ट इन टू द एमरजेंस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट और उसी के कारण से जो है थर्ड स्टेज ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट आता है है जहां पे चीजों को जो है प्रोफेशनली मैनेज करने की कोशिश की जाती है कंज्यूमर ऑर्गनाइजेशन बनते हैं जो कि चीज़ों को प्रोफेशनली मैनेज करते हैं और एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अब हम लोग जो है काफ़ी आगे आ चुके हैं पहले के ज़माने में जो है लोगों को बहुत ज़्यादा एक तरीके से एजुकेट करना पड़ता था बट अभी के टाइम पर लोग जो है काफ़ी ज्यादा एजुकेटेड हैं ऑलरेडी एजुकेट है ना हैंडलिंग कंज्यूमर कम्पलेट एंड वेंचर इन टू द एरियाज़ वेयर दे आर लॉबिंग लिटिगेशन एडवोकेसी उसके बाद रिसर्च एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग ये सारी चीज़ें थर्ड स्टेज में हो रही थी अभी भी होती है उल्टा में इन के ऊपर दिया गया है ताकि ये में आ करके एक बहुत एक बहुत कानून जो है इंडिया में पास होता है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन इस एक्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नीचे में पहले हम थोड़ी सी और जानकारी थोड़ा सा और हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं और यह ये ये, देखो एक तरीके से लैंडमार्क के रूप में काम करता है पे लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइन एटी सिक्स लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया कंज्यूमर मूवमेंट देखो अब आंसर में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में अगर पूछा तो आप कैसे लिखोगे तो आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो चार तरीके का था चार स्टेजेस में इंडिया में एक तरीके से आया है पहला स्टेज दूसरा स्टेज तीसरा चौथा जैसा जैसे मैंने आपको बताया अभी वैसे वैसे करके ही आपको लिखना है और जो चौथा स्टेज में जो हमारा लॉ आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइन एटी सिक्स वो एक तरीके से लैंडमार्क था जिसके कारण से जो है एक तरीके से लोगों के अंदर जो है एक अलग ही भावना पैदा हुई कि नहीं हमारे डाइट्स को कोई भी छीन नहीं सकता हमसे है ना इस तरह की चीज़ें इसके बाद देखो एक पैराग्राफ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा आप इस पैराग्राफ को स्किप भी कर सकते हो अगर आप नहीं चाहो तो एग्जामिनेशन में इसको नहीं भी लिखने से आपको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके बाद वाला पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आइए देख लेते हैं ओवर द ईयर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इैक्टेड मैनी लेजिस्शंस विच सीक टू प्रोटेक्ट वन और द अदर राइट्स ऑफ द कंज्यूमर ठीक है तो बहुत सारे uh, जो लेजिस्लेशन थे बहुत सारे कानून जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल दर साल समय के साथ साथ जो उन लोगों ने पास करवाए लेकिन हर एक लेजिस्लेशन का कुछ ना कुछ लूप होल्स उसमें रह जाता था कुछ ना कुछ उसमें गलतियां रह जाती थी तो आखिरकार जाकर के जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में आया तो जाकर के सारी की सारी चीजें जो हैं वो बदली हैं तो एक एक करके उन लेजिस्लेश के बारे में बात कर लेते हैं उन के बारे में जान लेते हैं जो कि ओवर द ईयर जो है इंडियन uh, गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए ठीक है तो यहाँ पे देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब अंग्रेज हुआ करते थे तभी आया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया था ड्रग्स एंड कॉमोडिटी कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में आया था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 जो कि अभी तक लागू है ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958 मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है ना जिसे एमआरटीपी एक्ट भी बोलते हैं 1969 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था स्टैंडर्ड्स ऑफ वीज एंड मेजर्स नाइनटीन सेवनटी सिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज नाइनटीन काफी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन आपको पता है तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके बाद आपने बी आई हॉलमार्क के बारे में सुना होगा उसके रिगार्डिंग भी एक एक एक्ट आया था जो कि जिसे हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट कहते हैं जो कि नाइनटीन में ही आया था और सबसे आखिर में आया है कॉम्पिटिशन एक्ट टू जो कि वो भी एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एक तरीके का एक्ट था है ना आप देख लेते हैं देर आर दस अ लार्ज नंबर ऑफ लेजिशंस विच सीक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स बट द कॉमन कंप्लेंट इज दैट दीज लॉज आर नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड तो ये तो आपको पता है ये हम सभी को पता है कि इंडिया में लॉज तो बहुत हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता ठीक तरीके से जैसे कि अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखने में अभी आती हैं टी में जिसको देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है हम लोगों को मन में रेप केसेस को लेकर के तो इंडिया में रेप केसेस को ले के के लिए लॉज तो बहुत सारे हैं लेकिन लोग इसके ऊपर एक तरीके से जो है काम नहीं हो पाते गवर्नमेंट जो है इंप्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाती गवर्नमेंट के पास लॉज तो हैं लेकिन उस लॉज को निभाने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है जो कड़े कदम लेने पड़ते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते उसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी वही सारी चीज़ें हैं लॉज तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है ओके परहैप्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स इज द ओनली लेजिस्लेशन विच नॉट ओनली एम्स एट प्रोटेक्टिंग वेरियस राइट्स ऑफ द कंजूमर बट आल्सो प्रोवाइड फर एन एक्स इन एक्सपेंसिव स्पीडी मशीनरी फॉर द रोड्यूसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीफेंस तो ये बात यहाँ पे बोली गई कि अगर देखा जाए तो शायद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टीन एटी सिक्स जो है वही एकमात्र एक ऐसा एक लेजिशन है ध्यान से सुनिए एक मात्र ऐसा लेजिस्लेशन है जहाँ पे वो कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट भी आप बहुत ही कम खर्चे में कर सकते हो और उसका जो मशीनरी uh, है वो बहुत ही स्पीडी तरीके से काम करती है और कंज्यूमर के जो ग्रेवेंसेस हैं उनको रिड्रेस किया जाता है उनको एक तरीके से एड्रेस uh, किया जाता है और उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है तो नाइनटीन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द एक्ट एम्स एट प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फॉलोइंग राइट्स द कंज्यूमर ये एक्ट जो है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स के सबसे पहला है राइट ऑफ सेफ्टी ठीक है ना तो जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उससे आप सेफ़ रहो इस चीज़ के लिए राइट ऑफ सेफ़्टी जो है ये सबसे पहला राइट right है जो कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 देती है देखो क्या लिखा हुआ है द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हेजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऐसे प्रोडक्ट जो कि लाइफ के लिए हेजाडस हैं प्रॉपर्टी के लिए हेजाडस हैं मतलब नुकसानदेह हैं उससे बचाव करने के लिए नाइनटीन एक्ट जो है काम करता है और ये किसके तहत काम करता है ये राइट ऑफ सेफ्टी के तहत काम करता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हर एक कस्टमर को हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी का अधिकार है ये अधिकार आपको कौन देता है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टीन एटी सिक्स देता है अगर आपको किसी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए और आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है बट सामने वाला बंदा सेलर जो है वो आपको बताने को तैयार नहीं है तो वो जो है आपको बताना उसको पड़ेगा क्योंकि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसको बताने को कहता है अगर वो नहीं बताएगा और अगर आप इस चीज़ के लिए अगर आप कंप्लेन करते हो तो उसको जो है सज़ा मिल सकती है तो राइट टू बी इन्फॉर्म द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी, पोटेंसी प्योरिटी स्टैंडर्ड एंड पीस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचने के लिए आपको किसी भी तरह की जानकारी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप पता कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अगर कोई आदमी मना करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो राइट right? तो ये एक बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट है इस एक्ट का ठीक है ना उसके बाद अगला पॉइंट है राइट टू चूज तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो है ना द राइट टू बी अश्योर वेयर पॉसिबल एक्सेस टू अ वेराइटी ऑफ गुड्स एट कम्पटेटिव प्राइस तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है आपका प्रोडक्ट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो फिर आप दूसरे प्रोडक्ट को देखें जो सेम सब्टिट्यूड का प्रोडक्ट होगा या फिर जो सेम प्रोडक्ट होगा बट उसकी प्राइस कम होगी जो उसकी कंपिटेंसी होगी वो सारी चीज़ों को आप कंपेयर करके जो है आप अपने हिसाब से जो है आप चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं ख़रीद सकते हैं राइट टू हर्ड ये ये एक्ट जो है ये आ, कानून भी है जिसमें आपको सुनने की बात बोली जा रही है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पर आप जाकर के कंप्लेन कर सकें राइट right? तो आ, आपको आप तब करोगे ना जब कोई आपको सुनेगा तो आपको सुनने के लिए भी एक ऐसी संस्था बनाई गई है जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो तो राइट टू तो बी हर्ड ये भी एक राइट है जो कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड करता है देखो क्या लिखा हुआ है द राइट टू बी हर्ड एंड एस्योर दर कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरम्स देखो फोरम्स की बात हो रही है तीन तरह के फोरम हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट फोरम और नेशनल फोरम इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये तीन तरह के फोरम्स हैं जहाँ पे एक तरीके से अगर आपको कोई दिक्कत होती है कोई कुछ अगर कंप्लेन होता है तो आप कर सकते हैं और आपकी बात को जो है सुना जाएगा और आपके कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाएगा राइट टू रिड्रेसल राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और कंज्यूमर अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है तो आप इस चीज़ को लेकर के आप जो है कम्प्लेन कर सकते हैं उन्हीं सारे फोरम्स में जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया तो आपके पास यह अधिकार है आपको एक तरीके से यह अधिकार दिया गया है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आपकी बात को सुना जाएगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा तो ये अधिकार जो है ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स आपको देता है और आखिरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है जो राइट है आपका वो ये है कि राइट टू कस्टमर कंज्यूमर एजुकेशन तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी अभी खोले गए हैं बहुत सारे स्कूलों को भी ये भार दिया गया है कि वो जो है लोगों को एक तरीके से गाइड करें एजुकेट करें अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में कंज्यूमर लॉज़ के बारे में उनके पास जानकारी हो इसलिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है की जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा The Consumer Protection Act 1986 further provides the three tier consumer dispute redressal system जो मैं अभी आप आपको बता रहा था district forum, state forum और national forum इसके बारे में detail में जो है unit seven में बताया गया है तो जब भी मैं unit seven करूँगा तो फिर मैं आपको बता दूँगा ठीक है अब आगे देख लेते हैं the ever facts clearly demonstrate that the consumerism is still in its infancy in India आप ये बात बोल सकते हो कि कंज्यूमरिज्म जो है वो इंडिया में एक तरीके से इन्फेंट है अभी छोटा बच्चा है इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी ये बड़ा नहीं हुआ एडल्ट नहीं हुआ है ना अभी हम लोग कंज्यूमर consumer, कंज्यूमरिज्म uh, के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ही हम लोगों के पास है और हम लोग बहुत कम एक तरीके से अपने कंज्यूमर राइट्स के ऊपर जो है अवेयर uh, हैं बहुत ज़्यादा अवेयर हम लोग नहीं हैं है ना देखो क्या लिखा हुआ है इट इज़ ग्रोइंग एविटली स्लोइंग सम ऑफ द रीज़न्स फॉर इट्स पुअर ग्रोथ इन इंडिया और प्रॉवर्टी अब देखो जो कंज्यूमरिज्म है उसके ग्रोथ के कारण जो है इंडिया में बहुत सारी रीज़न है कि तो उसका ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा सबसे पहला तो इंडिया एक पुअर जो इंडिया का जो एक तरीके से इकोनॉमी है वो बहुत ही पुअर है अभी के टाइम पर भी बहुत पुअर है है ना तो पुअर ग्रोथ एक तरह से बहुत बड़ा एक कारण है जिसके कारण से कंज्यूमरिज्म नहीं बढ़ पा रहा है इलिटरेसी तो एक कारण है ही इन डिफरेंस ऑफ लिटरेन्ट्स एंड एफुलुवेंट अब डिफरेंस होता है इनलिटरेट्स और एफुलुएट में डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को भी हम लोग एक तरीके से हटा नहीं पा रहे हैं जिसके कारण से जो है लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेलिवेंट लॉज जो लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा तो ये भी एक रीज़न है है ना बट द बिजनेस कैन नो मोर टेक द कंज्यूमर फॉर ग्रांटेड बट अभी के टाइम पे कोई भी बिज़नेस जो है कंज्यूमर को एज ए ग्रांटेड नहीं ले सकता उसको कंज्यूमर के हित का ख्याल रखना पड़ेगा कंज्यूमर के किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कैसा किस तरह का प्रोडक्ट उसको चाहिए किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है उसके साथ नहीं की जा सकती है ना दिस शुड नॉट बी इंटरप्रिटेड द कंज्यूमरिज्म इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस कंज्यूमरिज्म जो है बिजनेस के लिए प्रॉब्लम नहीं है अब देखो हमारे पास अधिकार हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अधिकारों का गलत उपयोग करेंगे इस अगर हम गलत उपयोग करते हैं तो वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है है ना तो ऐसा नहीं है कि हमें अगर अधिकार दिए जा रहे हैं तो इसके साथ बिजनेस के लिए ये बहुत खराब हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है तो फ्लिप कॉटलर ने भी इसके बारे में कहा फिलिप कॉटलर आपको पता होगा अभी भी जिंदा हैं काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा था द एडिक्शन ऑफ लॉन्ग रन कंज्यूमर वेलफेयर आर

जागरूक होगा कस्टमर को अगर उस चीज़ के बारे में जानकारी होगी जो भी प्रोडक्ट वो खरीदना चाह रहा है तो जो आपका मैन्युफैक्चरर होगा जो बिजनेसमैन होगा वो अच्छे प्रोडक्ट को बनाएगा लॉन्ग रन में वो सोचेगा कि कंज्यूमर इतना जागरूक है अगर मैं अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाता तो वो कंज्यूमर मेरे पास दोबारा खरीदने ही नहीं आएगा है ना तो वो अपने प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छा बनाएगा वो अपनी मार्केटिंग प्लानिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करेगा तो फिलिपकार्टलर का यही कहना था कि लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो कंज्यूमर वेलफेयर की जब बात की जाती है तो बिजनेसमैन एक तरीके से हाथ खड़ा कर हाथ खड़ा नहीं करते और अच्छे तरीके से काम करते हैं और कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में सोचते हुए प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं कि वो सोशली और इकोलॉजिकली वो बेनिफिशियल हो वो नुकसानदेह ना हो ही इज़ उनको ये सवाल पूछा गया ही इज़ आज टू डू इट ओनली टू मीट हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो बिकॉज फेलियर टू हिज मे हर्ट हिज लॉन्ग रन इंटरेस्ट एट प्रोड्यूसर है ना तो अगर उससे पूछा जाए जैसे ही यहाँ पर बिजनेस मैन की बात हो रही है कि उसके ऊपर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में फेल होता है तो लॉन्ग टर्म में वो एज ए प्रोड्यूसर जो है काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास अगर प्रोडक्ट ही नहीं होंगे हम अगर उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही नहीं तो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके करेगा क्या है ना उसको नुकसान होगा तो यहाँ पे यह बात बोली गई है ही फील्स दैट कंज्यूमरिज्म विल बी एंडिंग बेनिफिशियल एंड प्रो मारेटिंग एंड अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल है ना तो उनको ये भी लगता है और फिलिप कॉटलर को ये भी लगता है कि कंज्यूमरिजम जो है वो आने वाले समय में एक तरीके से अच्छे तरीके से काम करेगा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा प्रो होगा और प्रॉफिटेबल भी होगा बिजनेस करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ये विन विन सिचुएशन होगा फॉर बोथ चाहे वो प्रोड्यूसर हो मतलब चाहे वो बिजनेस हो या फिर चाहे वो कंज्यूमर हो है ना तो ये बात यहाँ पे बोली गई है वन ऑफ दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्विंग कंज्यूमर डिज़ायर्स इफिशियंटली एंड सर्विंग देयर लॉन्ग रन इंटरेस्ट है ना तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो यही है कि कंज्यूमर के डिज़ायर को पूरा किया जाए कंज्यूमर को सेटिसफाई किया जाए और उसके जो लॉन्ग रन इंटरेस्ट हैं उसको पूरा किया जाए ताकि वो खुश रहे सेटिस्फाई रहे to marketeers it says से the प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग practices must बी फाउंड विच combine short रन एंड लॉन्ग रन वैल्यूज फॉर द कस्टमर है ना तो जो marketeers होते हैं जो बिजनेस मैन होते हैं जो मार्केटिंग करते हैं उनको ये कहा जाता है कि उनको ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी चाहिए या फिर ऐसी मार्केटिंग प्रैक्टिसज करनी चाहिए जो कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को दिमाग में रखते हुए कंज्यूमर के लिए तैयार किए गए हों है ना द एनलाइटेंड मार्केट यर अटैम्प्टू सेटिसफाई द कंज्यूमर एंड हैंड्स इज टोटली वेल बींग ऑफ द थ्यूरी दैट वॉट इज़ गुड इज़ इन द लॉन्ग रन फॉर कस्ट कंज्यूमर इज़ गुड फॉर द बिजनेस तो ऐसा प्रोडक्ट जो कि लॉन्ग रन में कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल होगा वही बिज़नेस के लिए भी बेनिफिशियल होगा इसलिए आप देखोगे कि अभी के जो कस्ट प्रो जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं ताकि लॉन्ग रन में अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट है अगर वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो वो डेफिनेटली उसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा क्योंकि वो काफ़ी लंबा चला है ना तो लॉन्ग रन की बात हो रही है कि लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो कस्टमर का ध्यान रखना प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो ये कंज्यूमर मूवमेंट का पूरा का पूरा पार्ट था जो मैंने अभी आपको बताया है कंज्यूमर मूवमेंट में सबसे पहले मैंने आपको बताया कंज्यूमर मूवमेंट की हिस्ट्री उसके बाद मैंने डिफरेंट लेजिसलेशनस बताएँ जो कि एक तरीके से इंडियन कंज्यूमर मूवमेंट को दर्शाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मैंने बताया जो कि एक लैंडमार्क है इंडियन कंज्यूमरिज्म मूवमेंट का है ना और उसके बाद मैंने थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बताई जो कि फ़्लिप कार्टर ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हर एक बिज़नेसमैन को हर एक प्रोड्यूसर को हर एक मार्केटर को ऐसे प्रोडक्ट ही मार्केट में लाने चाहिए जो कि आ, एक तरीके से क्वालिटी वाइज अच्छे हों ताकि लॉन्ग रन में जो है कंज्यूमर उनसे नाराज़ ना हो वो किसी और के पास ना जाए और एक तरह से विन विन सिचुएशन बना रहे बोथ बिज़नेस के लिए और कंज्यूमर दोनों के लिए ठीक है तो ये हमारा पूरा लेक्चर था आई होप कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिल नहीं पाएगी तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल भी आपको दबाना है मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिए बाय